हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अब मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ये अब इन्फो नॉलेज हब के नाम से है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो पुराने मेरे वीडियोज हैं उनमें मैंने साइंस ट्यूटोरियल बार बार बोला है, तो वीडियो को भी आप देखिए, वो मेरा ही है। और मैं आपको इस वीडियो में भी दिख रही हूँ, तो ये मेरा है, बस चैनल का नाम इन्फो नॉलेज हब रखा है, क्योंकि नॉलेज तो मैं साइंस की आपकी बढ़ रही है, प्लस इन्फॉर्मेशन भी मैं बहुत सारी देती हूँ, तो ताकि आप लोगों को सर्च करने में इजी हो, इसलिए मैंने इसका नाम इन्फो नॉलेज हब रख दिया है। तो आज के बाद ये मेरे चैनल का नया नाम है। तो चलिए, आज हमारा प्लांट हार्मोन का जो हमने छोड़ा था एनसीईआरटी में, क्लास 10th के चैप्टर 7th का प्लांट हार्मोन में पढ़ाने वाली थी, लेकिन मुझे एनसीईआरटी कंटेंट में ज्यादा कुछ मिला नहीं। मतलब मुझे लगा कि बोर्ड में जो आता है इससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो उसमें एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ था, तो मैंने कुछ साइड पे और कुछ जो है हॉर्मोन्स के नाम देखे, और मैं सोच रही हूँ कि मैं उनसे आपको पढ़ा के फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी कंटेंट की तरफ चलूंगी, उसको भी मैं दोनों को कवर करूंगी आज। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सबसे पहली बात की अब आपको पता है कि बोर्ड के लिए धीरे धीरे हम ये मेरा टू लेसन हमने केमिस्ट्री में, टू फिजिक्स में, ये दूसरा लेसन जो है बायोलॉजी में कंप्लीट कर रहे हैं हम। इसके बाद सारे लेसन के एनसीईआरटी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है मैंने, एनसीईआरटी के बाद नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, उसके बाद बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन का सेट 1 डाल दिया है, और सेल्फ इवैल्यूएशन शीट, गूगल शीट भी आपके लिए मैंने डाल दिया है। तो वो सारे अलग अलग प्लेलिस्ट में है, आप जाके सर्च करेंगे तो आप इजीली उसको फाइंड आउट करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे आज स्क्रीन शेयर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या नया देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपके सामने ये दिखाना चाहती हूँ, मैं जरा स्पॉटलाइट ले लेती हूँ, मैं आपके सामने दिखाना चाह रही हूँ कि ये मैंने कोई साइट ओपन की है और मुझे अच्छा लगा इनका, तो मैंने आपको सोचा आपसे शेयर कर दूं। ये प्लांट हार्मोन का नॉर्मल नेम हम आपको क्या लेते हैं, मैं चलिए हाईलाइटर लगा लेती हूँ। प्लांट हार्मोन का नॉर्मल नाम हमारा होता है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन का मतलब जो होता है वो प्लांट का हार्मोन होता है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फाइटो हार्मोन आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है, मतलब हार्मोन तो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या फिर उनको इनहांस करता है। तो हम देखेंगे अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन प्लांट व्हिच ब्रिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन देम। प्लांट में क्या, एनिमल में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो है डिफरेंट ग्लैंड से आपको हार्मोन निकलता है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट इसमें हम फाइटो हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो फाइटो हार्मोन क्या होता है, फाइटो हार्मोन जो प्लांट हार्मोन को बोलते हैं, जो कि केमिकल होता है जो प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है प्लांट की एक्टिविटी को। जैसे अगर एक प्लांट छोटा सा प्लांट है तो वो ग्रो कर रहा है, तो वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, और एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो प्लांट अगर ग्रो करते करते उसकी ग्रोथ जो है एक टाइम के अब बाद जाके वो स्टॉप हो जा रही है, इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, कहां क्यों स्टॉप करने वाला कौन है और ग्रो करने वाला कौन है, तो इसी को हम देखेंगे। दीज फाइटो हार्मोन्स आर सिंथेसिस इन द माइन्यूट क्वांटिटी। और आपको पता है हार्मोन चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में, ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में होता है, और एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट में होता है और दूसरे पार्ट में वो डिफ्यूज हो जाता है, डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ बन रहा है वहीं पे फंक्शन करेगा, किसी और पार्ट में वो फंक्शन करता ही। Where they are influence specific physiological process को वो जो हम प्लांट या एनिमल के बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है उसमें हेल्प करता है। लेकिन चूंकि फाइटो हार्मोन की बात बोली तो यहाँ हम प्लांट की बात करेंगे, तो मैं जरा सा इसको ग्रीन कर लेती हूँ। ग्रोथ रेगुलेटर, अब ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर देखिए, ग्रोथ इन प्लांट मेनली अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल। मेरिस्टमेटिक सेल मतलब जो कि लगातार ग्रो करते रहता है। द न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन इन मेरिस्टेम। ठीक है, नया नया सेल डिवीजन होता है तो ग्रोथ होते रहता है प्लांट का। तो मेरिस्टमेटिक सेल आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ एवरी रूट एंड शूट। रूट पे भी होता है, टिप पे उसके, और शूट पे भी होता है। थ्री फेजेस ऑफ सेल ग्रोथ, कैसे होता है, सेल डिवीजन से सेल डिवाइड करके बढ़ते जाता है तो प्लांट का ग्रोथ होता है। सेल इनलार्जमेंट में मतलब सेल बड़ा होते जा रहा है तो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है।
और सेल मैच्योर होते जा रहा है तो भी प्लांट का ग्रोथ हो रहा है. तो दे ऑल आर कंट्रोल बाय फाइटो हार्मोन. तो ये एक्टिविटी सारी फाइटो हार्मोन से कंट्रोल होती है. तो आखिर ये फाइटो हार्मोन क्या है? मेजर टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन, तो हमें प्लांट में चूंकि एनसीईआरटी में इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा ये कंटेंट आपको यहाँ से बता दो. मेजर टाइप को हमें कितने पढ़ने? ऑक्सिन याद रखेंगे आप, जिब्रेलिन याद रखेंगे, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से है आप ये भी याद रखेंगे. अगला है एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड भी याद रखेंगे, और इथीन. इथीन को तो आप यूज करते हैं घर में मैंगो वगैरह राइप करने के लिए, पकाने के लिए. तो हम नीचे देखते हैं, इसको हम जरा स्क्रॉल कर ले. अगला हमारा है ग्रोथ प्रोमोटर्स. ग्रोथ जो ग्रोथ को प्रोमोट करता है, ग्रोथ प्रोमोटर का मतलब है जो कि जो हार्मोन ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा है, जो ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा है उसमें मेनली तीन है, ऑक्सिन ये पहला वाला, सेकेंड जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और इथीन. इथीन भी ग्रोथ को फल को फ्रूट को वो क्या करता है, राइपन कर देता है. तो ग्रोथ को एक तरह से क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है. साइटोकाइनिन, इथीन, ये चार हमारे ग्रोथ जो है प्रोमोटर है, ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं. ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है? दीज रिटार्ड द ग्रोथ. ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं वो रिटार्ड करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं. अच्छा, फिर ग्रोथ रिटार्ड करने के हार्मोन की जरूरत क्या पड़ी? अगर एक बात आप मान लीजिए कि अगर प्लांट कोई ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ हार्मोन जो है उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद तो उसकी ग्रोथ रुकनी चाहिए. नहीं तो पता चला प्लांट तो लाइफ लॉन्ग बहुत हाइट ले लेगा और उसको फिर उसकी बेसिक नीड ही नहीं पूरी होगी, वाटर की बहुत चीजें, उसकी बेसिक नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि रूट बहुत अंदर है और उसका लीफ लास्ट वाला लीफ बहुत ऊपर हो जाएगा, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी प्लांट को. तो इसीलिए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन का होना भी जरूरी है जो कि एक टाइम के बाद उसको पता है कि अब ग्रोथ को इनहिबिट करना है. तो ये क्या करता है? दे रिटार्ड द प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को रिटार्ड करता है. तो सबसे पहले हम ग्रोथ प्रोमोटर का पढ़ेंगे, ऑक्सिन. सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे? ऑक्सिन. व्हेन अ प्लांट डिटेक्ट लाइट, लाइट जब प्लांट में लाइट डिटेक्ट होता है, ऑक्सिन हार्मोन इज सिंथेसिस एट द शूट टिप, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर. ऑक्सिन क्या करता है? शूट जो रूट और शूट दो पार्ट होते हैं, तो शूट कहाँ जाता है? सनलाइट की तरफ जाता है. तो डेफिनेटली जब शूट सनलाइट की तरफ जा रहा है तो ऑक्सिन सिंथेसिस हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में. कहाँ पे होता है? और ये हेल्प करता है लंबाई बढ़ाने में, लॉन्ग करने में, लंबाई बढ़ाने में ये हेल्प करता है. व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड्स शैडी साइड ऑफ शूट. एक प्लांट के एक साइड में अगर लाइट आ रही है तो ऑक्सिन जहाँ पे छाया है, शेड है, उधर डिफ्यूज हो जाता है. दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट. और इस तरह का कई बार ऐसा होता है कि जो साइड थोड़ा सा लाइट के अवे है उसका ग्रोथ ना रुके, तो इसलिए वो उस साइड शिफ्ट होके और पूरे प्लांट को ग्रो करता है. दस प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड लाइट, इसलिए प्लांट ऐसा होता है कि लाइट की तरफ बेंड करता है क्योंकि लाइट में ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट. अगला, इट प्रोमोट्स, किसको प्रोमोट करता है ऑक्सिन? स्टेम, फ्रूट, ग्रोथ, रेगुलेट्स ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म मतलब फोटोट्रॉपिज्म, जो फोटो के कॉन्टेक्ट में आने से प्लांट का ग्रो होता है, मूवमेंट होता है. और उसके बाद कीमोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो आप देख लेंगे. अगला हमारा है, मैं क्लियर करती हूँ, अगला हमारा है जिब्रेलिन. अगला क्या है? जिब्रेलिन. जिब्रेलिन क्या करता है हम देखते हैं. जिब्रेलिन हमारा क्या करता है? दे हेल्प इन ग्रोथ इन स्टेम. जिब्रेलिन कहाँ करता है? ये तो आपको पता है शूट के स्टेम पे हो गया, शूट के उसपे हो गया, टिप पे हो गया. अब जिब्रेलिन ग्रोथ इन स्टेम, फ्रूट, सेल इनलार्जमेंट, सेल को इनलार्ज करता है और सेल डिफ्रेंशिएट करता है. ये सारी आपको बाद में ये सेल डिविजन वगैरह में पढ़ना है, ठीक है. तो मतलब ये भी ग्रोथ हार्मोन है. साइटोकाइनिन, दे प्रोमोट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन साइटोकाइनिन बॉडी, साइटो मतलब सेल का, काइनिन मतलब डिवीजन होना. हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेसी. ब्रेकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेसी? डोरमेसी मतलब सीड जो है जब तक उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं मिलता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह नहीं मिलता है. मतलब प्रेशर का तो यूज नहीं है, सनलाइट वगैरह का यूज है,
नहीं मिलता है तब तक वो सीट डोरमेसी में रहना चाहता है, मतलब वो ग्रो नहीं करना चाहता है। तो यही आपको साइटोकाइनिन क्या करता है, ब्रेकिंग डोरमेसी, उस डोरमेसी को सीट के तोड़ता है, उस आलसपन को तोड़ता है और बोलता है कि अब तुम्हें प्लांट में कन्वर्ट होना है, सीड तुम्हें प्लांट में कन्वर्ट होना है। तो डोरमेसी का मतलब है उसका सीड का आलसपन, मतलब वो डोरमेंट, वो निकलना नहीं चाहता है, सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग डोरमेसी ऑफ सीड डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, और लीव्स के एजिंग को मतलब एज को, एजिंग मतलब जब एज होने लगता है ज्यादा तो उसको वो डिले कर देता है साइटोकाइनिन, ठीक है। प्रोमोट, और उसके बाद प्रोमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को भी प्रोमोट करता है ओपन करने में, है ना, ताकि गैसेस का और वाटर का एक्सचेंज हो सके, और प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, और साइटोकाइनिन बहुत सारा काम करता है, फ्रूट ग्रोथ को भी ये प्रोमोट करता है। तो बहुत सारा है, एजिंग को ये इसने बढ़ा दिया, डिले कर दिया कि पत्ते जो गिरने थे अब लेट गिरेंगे और फ्रूट का ग्रोथ जल्दी होगा, इन सबको कर दिया। तो अभी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पढ़ा, अब हम इथिन पढ़ेंगे। इट प्रोमोट ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट हिल in breaking the dormancy in bud, it promote growth and ripening of fruit, breaking in ripening of fruit. Fruit जल्दी ripe क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि fruit जल्दी ripe इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें dormancy है। एक मिनट मैं इसको जरा clear कर लूँ। उसमें क्या है? उसमें dormancy है, ठीक है। तो fruit जो है ripe नहीं हो रहा है, but ethene डालने पे क्या बोलते हैं कि fruit की ब्रेकिंग द डोरमेसी उसकी ब्रेक हो जाती है और फ्रूट पकने लगता है। अब हमारा दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब जो कि ग्रोथ को रोके, रिटार्ड करे। तो उसमें हमारा है ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्रोमोट नहीं करता, ये रोकता है एब्सेसिक एसिड। इट प्रोमोट डोरमेसी, जब इसने डोरमेसी को प्रोमोट किया, डोरमेसी मतलब सीड को बोला आलसी हो तो आलसी ही रहो, वो ट्राई करेगा कि सीड जो है कन्वर्ट ना हो सीडलिंग में। तो इसने क्या किया, डोरमेसी को प्रोमोट किया। लेकिन अगर नया प्लांट बनना है तो डोरमेसी को प्रोमोट नहीं करना होता है, लेकिन ये डोरमेसी को प्रोमोट करता है इन सीड एंड बड एंड दस इनहिबिट ग्रोथ, और ग्रोथ को रोक देता है। इट प्रोमोट उल्टा काम कर रहा है, ये साइटोकाइनिन के उल्टा, बिल्कुल। साइटोकाइनिन क्या है, स्टोमेटा को ओपन कर रहा है कि एक्टिविटी हो सके फिजियोलॉजिकल, और ये जो है स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है। तो बिल्कुल ये साइटोकाइनिन के क्या है, ये अपोजिट काम कर रहा है एब्सेसिक एसिड, और ये लीफ को फॉल करने में भी ज्यादा हेल्प कर रहा है कि मतलब लीफ जल्दी गिरे। तो अगर किसी में साइटोकाइनिन कम हो गया, एब्सेसिक एसिड ज्यादा हो रहा है प्रोड्यूस, तो इसका मतलब उस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और वो सीड भी जल्दी खत्म हो जाएंगे प्लांट के। तो ये आपके इम्पोर्टेंट था जो मुझे अच्छा लगा इसे, तो मैंने पढ़ा दिया इसे। अब मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आपसे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, दे आर सिंथेसिस एट प्लेस अवे फ्रॉम, ये मैंने पिछले देख लिया हम लोगों ने अभी वीडियो में, लेकिन पहले भी हमने देखा था, अब यहाँ से देखेंगे हम। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्क विथ अर्लियर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी थी 7.2 में, हमें व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। अभी मैंने बताया कि जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ऑक्सिन हार्मोन निकल रहा है। सॉरी, इसको मैं जरा रख कर दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकल रहा है इसमें, ऑक्सिन निकल रहा है। मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, हाँ, तो ऑक्सिन निकल रहा है। तो ऑक्सिन कहाँ निकल रहा है, जब ग्रोइंग प्लांट सनलाइट की तरफ जाता है तो ऑक्सिन हार्मोन वहां बनता है, सिंथेसिस होता है एट द शूट टिप, शूट के टिप पे। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, हेल्प करता है। अभी मैंने बताया व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। अभी मैंने आपको बताया दिस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। अभी मैंने आपको बताया, वही चीज यहाँ दिया हुआ है। दूसरा हमारा था अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन इज जिब्रेलिन विच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। अभी मैंने बताया आपको स्टेम के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, चूंकि एनसीईआरटी पढ़ाना था इसलिए मैं यहाँ लेके आई। साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है, सेल डिवीजन। तीसरा हमारा हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है, स्टोमेटा का ओपनिंग करता है, लीफ को जल्दी डिले करता है, लीफ की एजिंग को, तो ये सारा काम करता है। एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंटिंग ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। सच ए फ्रूट एंड सीड, फ्रूट और सीड में बहुत जल्दी सेल डिवीजन होता है,
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको वहां से दूसरी जगह से पढ़ा दिया. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन प्रोमोटिंग द ग्रोथ, बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग. एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ. इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के गिरने में भी ये एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है और डॉर्मेसी में भी हेल्प करता है. अभी मैंने आपको बताया कि चाहता है कि सीड डॉर्मेंट रहे. तो ये आपका हो गया एक इथिलीन, मैंने एक्स्ट्रा आपको दूसरे साइड से बता दिया है. अब आपको देखेंगे वाटर प्लांट हार्मोन. तो ये वाटर प्लांट हार्मोन्स में आप लिखेंगे प्लांट्स हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल विच इज जनरेटेड इन द सिंथेसिस इन द प्लांट एंड वर्क ऑन अनदर एरिया ऑफ प्लांट. अभी मैंने आपको बताया हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट. क्योंकि जो मूवमेंट लीव्स का जो सेंसिटिव प्लांट होता है जैसे टच मी नॉट, तो वो हमको हम उसको जब टच करते हैं तो वो कीमोट्रोपिज्म से होता है. किसमें होता है? कीमोट्रोपिज्म से मूव करता है. बट सनलाइट की तरफ वो फोटोट्रोपिज्म से मूव करता है. ठीक है, जैसे हम छूते हैं तो आप ये देखिए फोटोट्रोपिज्म. और अभी मैंने आपको एक बताया था, एक पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अनलाइक दे आर, ये देखिए यहाँ पे है लीव्स मूव, ये जो है होता है ये कीमोट्रोपिज्म कहा जाता है. तो ये आपका हो गया, ये सनलाइट की तरफ जा रहा है और ये नेस्टिक मूवमेंट मतलब जो टच की वजह से हो रहा है. तो टच मी नॉट में नेस्टिक मूवमेंट एक हो रहा है और ये जो है सनलाइट की तरफ वो आगे जा रहा है. तो दो तरह का था, इसमें पीछे भी आपका अंडरलाइन किया हुआ, आप एक बार इसको भी देख सकते हैं मूवमेंट के लिए. गिवन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट ग्रोथ, तो इसमें कुछ भी दे दीजिए आप, जिब्रेलिन दे दीजिए, ऑक्सिन दे दीजिए. हाउ डू ऑक्सिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्राइल अराउंड द सपोर्ट. क्योंकि आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि ये जो है आपका ऑक्सिन जो है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट. दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर. शेडी साइड में जाता है तो वो लॉन्गर उसको क्या करता है, सेल को लॉन्गर करते जाता है. इस वजह से जो है टेंड्राइल ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्राइल अराउंड द सपोर्ट. ठीक है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म. तो हाइड्रोट्रोपिज्म का हम एक देख लेंगे एक्टिविटी. इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म में हम जो है एक चीज हम कर सकते हैं कि एक कोई भी हम चने का सीड वगैरह कुछ ले सकते हैं और उसको मॉइस्ट अगर सॉइल में हम डालेंगे, मॉइस्ट सॉइल में डालेंगे तो हम देखेंगे कि सीड जो है मूव कर रहा है, मतलब सीड का मूवमेंट जो है रेडिकल जो उसका रूट वाला पार्ट है वो मॉइस्ट वाटर की तरफ आ रहा है. तो ये आपको दिखाता है हाइड्रोट्रोपिज्म की वाटर की तरफ कैसे रूट जो है बढ़ना चाहता है, क्योंकि सॉइल में ही वाटर होता है और रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो वो उसे वाटर चाहिए तो इसलिए वो उधर मूव कर जाता है. तो ये आपका एग्जांपल है. अगला हम वीडियो में पढ़ेंगे हार्मोन इन एनिमल्स. और तब तक ये देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.